दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट के जिनकी स्कॉलरशिप आ गई, उनकी फीस वापसी कब तक आएगी, और बहुत सारे कैंडिडेट की अभी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो हम इस वीडियो में आपको कुछ प्रूफ देखेंगे, इस वीडियो में कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिससे आपको भी यहाँ पे पता चलेगा हाँ हमारी स्कॉलरशिप कब आ सकती है, तो फीस वापसी कब आ सकती है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप अपना स्टेटस चेक करते रहे। बहुत सारे कैंडिडेट जिनकी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है, डेली स्कॉलरशिप आ रही है। तो आपको क्या करना है, अपने गूगल ब्राउजर में जाके गूगल से सर्च करना है सरकारी जॉब फाइंड। जैसे ही आप सरकारी जॉब फाइंड सर्च करेंगे, आपके सामने यहाँ पे देखिए स्क्रीन खुल के आ जाएगा सरकारी जॉब फाइंड .com। अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके जाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टेबलों में से यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2019-20 पे आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटस यहाँ पे ओपन करता हूँ, स्टेटस में देखते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें कब स्कॉलरशिप आएगी, कब फीस वापसी हुई है, तो उसी के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, PFMS वाले लिंक पे इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सामने भी PFMS की लिंक खुल के ओपन होके आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक अकाउंट नंबर डिटेल से भरते हैं, सारी चीज़ें भर के देखते हैं कि आखिर इनकी स्कॉलरशिप आ गई है तो फीस वासी कब तक आएगी। तो यहाँ पे हम अगर इनका बैंक नेम डाल लेते हैं, तो इनकी जो है बैंक नेम है कनरा बैंक। तो कनरा बैंक, अब यहाँ पे हम इनका अकाउंट नंबर फिल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इनका अकाउंट नंबर फिल कर लिया है, इनका यहाँ पे दिया हुआ कैप्चा फिल कर लेते हैं, इनके द्वारा दिया गया कैप्चा। अब जैसे ही हम यहाँ पे कैप्चा इनका फिल कर लेते हैं B0। अब कैप्चा फिल करने के बाद हम अगर सर्च कर देते हैं, तो देखिए इनके स्कॉलरशिप की जो स्टेटस है यहाँ पे शो होने लगा है। तो देखिए इनका यहाँ पे देखिए कनरा बैंक है, दिनेश यादव OBC के हैं, OBC कैंडिडेट। तो इनका अगर यहाँ पे देखिए जो 2760 रुपये है, सक्सेस हो गई है 31/1/2020 को इनकी स्कॉलरशिप सक्सेस हो गई। अब दोस्तों हम अगर इनकी फीस वापसी की बात करें, तो देखिए देखिए अगर हम इनकी पिछली स्कॉलरशिप बात देख लेते हैं, जो कि 2019 में जो आई थी, तो इनकी जो 2019 में स्कॉलरशिप आई थी, जो पहले स्कॉलरशिप आ गई थी 5,310 रुपये, देखिए इस बार स्कॉलरशिप कम आ रही है। हालांकि इनका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर था, इस बार सेकेंड ईयर है। तो यहाँ पे देखिए जो इनकी 5,310 रुपये आई है, 2 फरवरी को सक्सेस हो गई थी, 2 फरवरी को अकाउंट में आ गई। अब इनकी देखिए 11,010 रुपये जो फीस वापसी हुई थी, वो आई है 28 फरवरी को, मतलब 26 दिन बाद स्कॉलरशिप आई है। तो स्कॉलरशिप की जो फीस वापसी होगी वो देर से भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी देर हो सकता है, 26 दिन बहुत दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, वेट करना है, अपना स्टेटस चेक करते रहना, जैसे हमने पहले भी वीडियो में बताया। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी भी स्कॉलरशिप आई है तो फीस वापसी आएगी, 100% आएगी। अगर उनका जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि समाज कल्याण विभाग से जो कि उनका कुछ मार्क्स दिए गए हैं, अगर आपके 68.21% है, तो आपकी फीस वापसी 100% आएगी। अगर आपके 53% मार्क हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो दोस्तों ये स्टेटस देख के, और हम आपको एक और स्टेटस दिखाते हैं, उसमें देखिए केवल 2 दिन के बाद ही उनकी फीस वापसी हो गई थी, लेकिन इस बार अभी फीस वापसी नहीं हुई है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो। दोस्तों यहाँ पे अगर हम दूसरा स्टेटस देखते हैं, तो ये काशी गोमती, यहाँ पे देखिए बैंक नेम आ जाना चाहिए, काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक। अब यहाँ पे हम इनका अकाउंट नंबर पेस्ट करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए F45 F45, फिर 1CF 1CF। इनका कैप्चा अगर फिल करके हम यहाँ पे इनका स्टेटस देखते हैं, तो देखिए इनका स्टेटस जो है खुल के आ गया है यहाँ पे देखिए। तो जी इनकी इनकी स्कॉलरशिप अगर देख लेते हैं, तो यहाँ पे 3600 रुपये सक्सेस हो गई है, 31/1/2020 को ही सक्सेस हो गई थी इनकी भी। अब यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं जो इनकी पिछले साल की आई थी स्कॉलरशिप, वो देखिए 2400 रुपये आई थी, जो कि 2 फरवरी को दिया गया था। और इनकी जो फीस वापसी आई थी, जस्ट 2 दिन बाद ही आ गई थी, 4000 जो है 4 फरवरी को ही इनकी फीस वापसी हो आ गई थी। तो इसमें देखिए इस स्टेटस में बस केवल 2 दिन में फीस वापसी हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी फीस वापसी हो गई है, और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी फीस वापसी अभी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी भी फीस वापसी आएगी। जैसे हमने अभी पिछला जो स्टेटस देखा, उसमें देखे 26 दिन बाद तक आई है। तो आपके यहाँ तक तो फरवरी के एंड में स्कॉलरशिप की फीस वापसी आ सकती है, या तो दोस्तों उनके करेक्शन अभी, जैसे मैं पिछले वीडियो में बनाते आए हूँ कि उनकी 11 से 16 फरवरी के बीच में करेक्शन है, और जो सारे डाटा हैं, जो इसे उनकी जो एंडिंग डेट है, तो एंडिंग डेट 20 मार्च है, तो 20 मार्च तक आपकी स्कॉलरशिप आएगी। तो 20 मार्च के बाद अगर स्कॉलरशिप नहीं आती है, तो उनकी तरफ से कुछ नोटिस दिया जाएगा कि हाँ सारे कैंडिडेट की स्कॉलरशिप दे दी गई है, अब उसके बाद नहीं आएगी, या तो ऐसे और कुछ इन्फॉर्मेशन आएंगी जिसमें कि या तो कुछ बताया जाएगा उनकी तरफ से कि अगर
अगर उनको स्कॉलरशिप देने हैं तो, और वो कितना स्कॉलरशिप देंगे या तो नहीं देंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, मैंने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अपडेट से बने रहने के लिए। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल के आती है, कोई नई चीज़ें मिल के आती हैं, हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। तो आप चैनल से बने रहिए, कोई भी यहाँ पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपसे छूटने नहीं पाएगी। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।